टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर बार चोर सातिराना अंदाज में चोरी करता था, मौका देख फरार हो जाता था, लेकिन इस बार चोर पुलिस के जाल में फंस गया और पुलिस ने सातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल डोम्बो अली मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में कई बार बबन जाधव अपनी हाथ की सफाई घरफोड़ी की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन कल्याणपुर के आइडियल ढोकली राजा राम पाटिल नगर में एक बंद घर का ताला तोड़कर तिजोरी में रखे 4,50,000 रुपये के सोने के आभूषण यानी दागीने जो है चुरा ले गया था, चुरा कर फरार हो गया था, लेकर चंपत हो गया था। लेकिन इस वारदात की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके पश्चात पुलिस को इस चोर की सूत्रों द्वारा पता चला नासिक में चोर घूम रहा है। डोम्बो अली मानपाड़ा पुलिस ने सातिर चोर बबन दशरथ जाधव को नासिक जिले के घोटी से गिरफ्तार कर लिया और फिर जब पुलिस पूछताछ की तो खुलासा हुआ ये पहली कोई घटना नहीं है, बल्कि कई बार घरफोड़ी जैसे घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। कल्याण के DCP विवेक पानसरे ने क्या कुछ जानकारी दी है, आप पहले सुनिए। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद्दी मध्ये आडीवली ढोकळी या गावामध्ये काही दिवसापूर्वी एक घरफोड़ी झाली होती। त्या ठिकाणी कोणताही एविडन्स नसताने आमचे मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के DP चे पुलिस हवालदार श्री पाटिल, त्याचप्रमाणे PSI श्री लांब यांच्या पथकाने, सीनियर PI श्री चौरे, त्याचप्रमाणे क्राइम PI बाळासाहेब पवार आणि ACP श्री मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक अतिशय सराईत असा घरफोडा करणारा एक गुन्हेगार पकडलेला आहे। बबन दशरथ जाधव हा जो गुन्हेगार इसम आहे, हा ॲक्च्युली इगतपुरीला राहत असतो। इगतपुरीवरून भाजीपाला विकण्याच्या निमित्ताने तो कल्याण डोंबिवली शहरामध्ये येत असतो आणि या ठिकाणी येऊन बऱ्याच घरफोड्या त्याने केलेल्या आहेत। आतापर्यंत एकूण 4 अशा प्रकारच्या घरफोड्या आम्ही उघडकीस आणलेल्या आहेत आणि एकूण 6,75,000 आसपासचा मुद्देमालसुद्धा त्यामध्ये रिकवर केलेला आहे। हा इगतपुरीवरून यायचा, या ठिकाणी येऊन व्यापार करण्याच्या निमित्ताने 1-2 दिवस इथं थांबायचा आणि काही ठिकाणी हॉटेलला बसून आजूबाजूच्या घरांची तो रेकी करायचा, त्यानुसार मग एखादं घर एकटं असलेलं किंवा बंद असलेलं बघून त्याचा अभ्यास करून व्यवस्थित असा तो नंतर त्याच्यावर एकटाच जाऊन कटावणीच्या सहाय्याने लॉक किंवा दरवाजा उचकटून तो चोरी करायचा। तो आपने सुना DCP विवेक पानसरे ने क्या कहा, उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की इगतपुरी से डोंबोली के हद में भाजी पाला बेचने का काम करता है और उसी के आड़ में मौका देख चौका मारता था, लेकिन अब पुलिस के कब्जे में है सातिर चोर, पुलिस का अनुमान है और कुछ नए राज खुल सकते हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।